माय चैनल रसूली किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से पेटीज की रेसिपी शेयर करूँ। या फ्रेंड आपके यहाँ छोटा मोटा फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, तो आप बच्चों को इसी तरीके से बनाकर खिला सकते हो। इतनी खस्ता और कितनी क्रिस्प पेटीज बन के तैयार हुई है, आपको बेहद ही पसंद आएंगी और बहुत ही इजी है इसको बनाना। बिल्कुल फ्रेंड बाजार जैसी खस्ता और लेयरदार पेटीज बन के तैयार हुई है ये हमारी। आप भी मेरे मेथड को फॉलो करोगे तो आप भी इसी तरीके से पेटीज बना के घर में खा सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए टेस्टी सी पेटीज की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू पेटीज बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 1 कप मैदा ले लिया है छानकर। वेट में ये 250 ग्राम मैदा है। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं मैदा में। आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। मोइन के लिए फ्रेंड्स मैंने 4 बड़े चम्मच भर का घी ले लिया है। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है, ये ऐड कर देते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करना, घी और मैदा को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको आलू पेटीज बनाना बता रही हूँ, जो कि आप घर में बनाकर बहुत ही आसानी से खा सकते हो। ये देखो फ्रेंड मैंने अच्छे से घी और मैदा को मिक्स कर लिया है। आप इस तरीके से मैदा को बाइंड कर देख लें। अच्छे से आपका मैदा बाइंड होता है तो मोमन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं तो थोड़ा सा घी और ऐड करना। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा सख्त डो बनाकर तैयार करना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो तैयार करें। मैंने फ्रेंड इसमें अजवाइन ऐड नहीं किया, आप चाहो तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए सख्त डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। 10 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स हमने डो को रेस्ट पे छोड़ दिया। जब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए लिया मैंने पैन में 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ऐड कर देते हैं और उनको अच्छे से गर्म कर दें। ऑयल हमारा फ्रेंड अच्छे से गर्म हो चुका है। आधा टीस्पून दिया मैंने जीरा, आधा टीस्पून दिया सौंफ, आधा टीस्पून दिया मैंने साबुत धनिया। सबको मैंने दरदरा कूट लिया, ये ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी के साथ ही लिए मैंने थोड़ी सी हींग जरूर से ऐड करें। मसालों को थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। मसाले फ्रेंड्स हमारे बहुत ही अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज है मैंने चॉप कर दी, ये ऐड कर देते हैं। अगर आपको प्याज पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा पिंक होने तक भून देते हैं जिससे ही प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज हमारी फ्रेंड हल्की पिंक हो चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसी के साथ ही चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, चॉप की हुई अदरक, इन्हें भी 1 सेकंड के लिए भून देते हैं प्याज के साथ। अदरक और हरी मिर्च डालकर फ्रेंड मैंने 1 सेकंड के लिए भून लिया है। इसी के साथ ही दिए मैंने 3 बड़े साइज के आलू, आलुओं को बॉइल करके क्रश कर लिया, ये ऐड कर देते हैं। जैसे मिक्स कर ले फ्रेंड, आप चाहो तो मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने मटर का इस्तेमाल नहीं किया। मार्केट वाली पेटीज में मटर होती नहीं है, इसलिए मैंने अभी मटर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही थोड़े से मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून लिया मैंने धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लिया मैंने चाट मसाला, आधा टीस्पून लिया गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून लिया कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहो तो रेगुलर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टीस्पून लिया नमक, 1/4 टीस्पून लिया हल्दी का पाउडर, ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलूओं में मसाले को। आलू फ्रेंड आपको मोटे मोटे चम से दिखे तो आप उनको मैश कर ले इस तरीके से। मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स मसाले को डालकर आलूओं को भूनते हुए। इसी के साथ ही मैं 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर देती हूँ, जिसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार आलू का मसाला बनकर तैयार होता है। नमक कटा हरा धनिया ये ऐड कर देते हैं। धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर ले आलुओं में। आलू स्टेशन बनकर हमारी तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आलुओं को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हम स्लेरी बना रहे थे। स्लेरी बनाने के लिए ले लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून ही हमें घी ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी में आप मैदा ले रहे हो उतनी क्वांटिटी में घी ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छी फ्रेंड पेटी इस पर लेयर बनकर आएगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो फ्रेंड गम यानी कि स्लेरी बराबर हमने तैयार कर लिया। अगर आपकी स्लेरी पतली हो जाए तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें, अगर गाढ़ी हो तो थोड़ा सा घी ऐड कर लें। स्लेरी को उठाकर साइड रख देते हैं। देख लेते हैं डो को, आटे नहीं फ्रेंड्स काफी रेस्ट कर लिया है। देख लेते हैं थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं आटे को। आटे के फ्रेंड छोटे छोटे हम पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से। जितने डो में आपके पेड़े बन जाए उतने बनाकर तैयार कर ले। पेड़े बनाकर हमने तैयार कर दिया है। आधा कौनता तो मैदा डस्ट कर ले। एक पेड़ा उठाकर पतली सी रोटी बेल लेते हैं, बहुत ही पतली रोटी बेलनी है। ये रेंग पैन पतली सी रोटी बेल कर हमने तैयार कर ली है। प्लेट में थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रोटी को रख देते हैं। ऐसे ही सारी रोटी बेल कर तैयार कर लेते हैं। ये रेंग पैन सारी रोटी बेल कर हमने तैयार कर ली है। एक रोटी खाएंगे कौन कर रखेंगे, हमने स्लेरी बनाकर रखी थी ये लगा देते हैं आज से, और चारों तरफ लगानी है बहुत ही अच्छे से हमें इस तरीके से।
सिलेरी हमने पूरी रोटी को अच्छे से फैला कर लगा लिया। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देते हैं, इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देते हैं इस तरीके से। ऐसी फ्रेंड इसके ऊपर सिलेरी ला देते हैं अच्छे से फैला कर। ये देखे फ्रेंड सारी रोटी हमने इसी तरीके से एक के ऊपर एक रख कर अच्छे से चिपका दी है। लास्ट की रोटी थी ये भी हमने अच्छे से चिपका दी है, बहुत ही अच्छे से हाथों से प्रेस करके चिपका। ऊपर वाली रोटी पर भी फ्रेंड सिलेरी लगा लेते हैं अच्छे से। सारी रोटी फ्रेंड ऊपर भी हमने सिलेरी लगा दी है। अब टाइटली हम रोल कर लेते हैं रोटियों को, अच्छे से रोल करें टाइटली जिससे कि खुरे नहीं। इस तरीके से फ्रेंड थोड़ा सा पतला करना है। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही टाइटली रोल कर दिया, कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, साइड अलग करते हैं इसकी इस तरीके से। दो दो इंच की दूरी पर हम काट लेते हैं, काट कर टेढ़े बना लें इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड सारे पेड़ों को हमने काट लिया है। मैं आपको इसकी लेयर दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से लेयर बन के आएंगे दोनों साइड से। पेड़ों को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं हाथ से इस तरीके से, सारे पेड़ इसी तरीके से बनाकर साइड रख लें। एक पेड़ उठाकर फ्रेंड छोटी सी पूरी बेल लेते हैं, ज्यादा पतली नहीं करनी है और हल्के हल्के हाथों से बेलें जिससे कि लेयर खराब ना हो। थोड़ी थोड़ी फ्रेंड इसकी साइड है उठा रहे, हमें स्क्वायर पीस चाहिए इस तरीके से। साइड उठाकर अभी साइड रख दे, बाद में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। हमने फ्रेंड मजेदार स्टफिंग बनाकर रखी थी आलू की, ये रख देते हैं सेंटर में इस तरीके से। चारों कॉर्नर पे पानी लगा लें अच्छे से इस तरीके से। ये कोना उठाकर इस कोने से मिला देते हैं, इस कोने से ये कोना मिला दे पर अच्छे से सील कर दें जिससे कि ऑयल में पेटीज हमारी खुले नहीं। ये देखे, ये देखे फ्रेंड चारों साइड से हमने अच्छे से सील कर दिए पेटीज को। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत पेटीज बन के तैयार हुई है। ऐसी फ्रेंड सारी पेटीज बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखे फ्रेंड हमने सारी पेटीज बनाकर तैयार कर लिया, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। करने के लिए मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम हॉट हो चुका है, बिल्कुल लाइट गर्म चाहिए हमें ऑयल, ज्यादा तेज गर्म नहीं चाहिए। ज्यादा तेज गर्म ऑयल होगा तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी पेटीज हमारे और बाहर से क्रिस्प हो जाएंगे। आपको फ्रेंड ऑयल बहुत ही कम गर्म करना है जिससे कि पेटीज दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो। गैस का फ्लेम लो रखें, लो फ्लेम पे ही हमें पेटीजों को फ्राई करना है। अभी हमें पेटीजों को टच नहीं करना है, ऑयल में ही अपने आप फूल कर ऊपर तैरने लगेंगी। तब हम फ्रेंड इन पेटीजों को टर्न करेंगे यानी कि पलटेंगे। थोड़ा थोड़ा फ्रेंड गर्म ऑयल पेटीजों के ऊपर डालते रहें जिससे कि अच्छे से इनकी लेयर खुलकर आए। आप अभी लेयर देख सकते हो पेटीज की, बहुत ही अच्छे से खुलकर आई है, फूल फूल कर फ्रेंड पेटीज ऑयल में तैरने लगी है। अब हम इनको टर्न कर लेते हैं, पलट देते हैं। ये देखें और दोनों साइड से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लें पेटीजों का। ये देखो फ्रेंड पेटीजों पर बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आता जा रहा है। मेरे पास कॉर्नर बचे थे, मैंने उसकी पेटी बना ली है। जिस तरीके से बनाई है मैंने ऐसे ही आप बना लें जो आपके पास कॉर्नर बचे हो। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं और हम थोड़ा सा और कलर आ जाए इन पर। दो से तीन मिनट और मैं फ्राई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लेयर बनकर आई है पेटी जो हमारी। दोनों साइड से पेटीज फ्रेंड गोल्डन हो चुकी है, अब हमें निकाल लेते हैं इस तरीके की। आप चटनी में निकालें जिससे एक्स्ट्रा और सारे निकल जाए। आप इसकी लेयर देख सकते हो कितने अच्छे से आई है और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई है। आप इस तरीके से एक बार बनाओगे तो बाजार की पेटी स्थाना भूल जाओ। ये देखें क्योंकि मेहनत सारी खुलकर आई है पेटीजों की और बहुत ही खस्ता बनी है। ऐसी फ्रेंड हम दूसरा बैच फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। एक बैच फ्राई करने में मुझे 8 से 10 मिनट लग गए थे। ये देखिए फ्रेंड दूसरा बैच भी हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आया इस पर भी। ये देखिए फ्रेंड सारी पेटीज हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्प पेटीज बनी है ये। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप एक बार फ्रेंड इस तरीके से बना लोगे मेरा दावा है कि आप बाजार की खाना भूल जाओगे। ये देखे इतनी खस्ता और कितनी क्रिस्प पेटीज बन के तैयार हुई है। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही मजे की लगती है ये। आप इनकी फ्रेंड एक एक लेयर देख सकती हो कितने अच्छे से लेयर बनकर आई है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिएगा।